देव और ऋषियों की रम्य स्थली के रूप में ख्याति लब देवरिया जनपद को देवारण्य नाम भी दिया। धर्म प्रवण इस जनपद की जनता ने भारतीय धर्म की दो मूल प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को न केवल हृदयंगम किया अभी तो आश्चर्यजनक रूप से दोनों धाराओं के सम्यक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान देवरिया जनपद के उत्तरी तरफ बनाच्छादित भूभाग को तप हेत सर्वाधिक अनुकूल मानते हुए जीवन के अंतिम चरण में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपनाया, तो दूसरी तरफ जनपद के दक्षिणी भूभाग में सरयू के तटवर्ती भू क्षेत्र को यज्ञ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते हुए वैष्णव और शैव मतानुयायियों ने सुहगरा से दुग्धेश्वर नाथ तक अनेक सिद्ध स्थलों को अपनी तपश्चर्या हित चुना। चूंकि पूर्वांचल में गुरु गोरक्षनाथ का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए देवरिया जनपद के भी अधिकांश शैव मंदिर नाथ संप्रदाय से ही जुड़े थे, यथा दिघेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, नीलकंठनाथ और महेंद्रनाथ। वस्तुतः देवरिया जनपद का अधिकांश भूभाग बौद्ध धर्म की औनत के बाद शैव क्षेत्र के रूप में बदल गया, जिसके द्योतक अनेक गांव और नगरों के नाम भी उसी से जुड़े हुए प्रचलित हुए, जैसे महें अर्थात महेंद्र, कपरवार अर्थात कपालघाट और पिंडी अर्थात शिवपिंड, गौरी बाजार जैसे अनेकानेक गांव इसी परंपरा के द्योतक हैं। देवरिया जनपद मुख्यालय से 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बरहट तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम बरहट रुद्रपुर रोड पर प्रसिद्ध शैव मंदिर महेंद्रनाथ श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रावण मास में आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवरियों का जमावड़ा होता है। शिव की उपासना का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व रहा है। एक तरफ जहाँ शिव संसार के रक्षक हैं, तो दूसरी तरफ सृष्टि के संहारक भी। वेदों में भी जटाधारी एवं धनुधारी रुद्र का वर्णन शिव का पूर्ववर्ती रूप है। ऋग्वेद में इन्हें विषक अर्थात चिकित्सक तथा वृषभ अर्थात प्रजनन करने वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इन्हें पशुपत की संज्ञा से संबोधित करते हुए रक्षा का देवता माना गया है। कृष्ण यजुर्वेद में इन्हें कृत्सवास वस्त्र की जगह खाल पहनने वाले देव के रूप में लोगों में स्वीकृति प्रदान की गई। शैवोपासना प्रतीक रूप में लिंग प्रतीक के रूप में सर्वमान्य रूप से देखी जा सकती है। अचल और सचल दो प्रकार के लिंग प्रतीकों के विषय में भारतीय साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। मानुष लिंग प्रतीक के तीन भाग रुद्र भाग, विष्णु भाग और ब्रह्म भाग बताए हैं, जबकि लिंग के साथ शंकर के मुख की आकृति बनी हुई है तो उसे मुख लिंग कहा गया। महेंद्रनाथ मंदिर में भी इसी प्रकार का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में इस मंदिर की प्राचीनता निर्धारित कर पाना दुष्कर प्रतीत होता है, किंतु गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माता प्रसाद त्रिपाठी की धारणा है कि संभवतः 200 वर्ष पूर्व जब आवागमन के साधनों का इतना विकास नहीं हुआ था, तब 15-20 गांवों के बीच कोई न कोई ऐसा पूजा केंद्र बनाया गया जहां श्रद्धालु एकत्र होकर पूजा अर्चना करते थे। संभवतः इसी तरह के किसी पूजा केंद्र के रूप में महेंद्रनाथ भी प्रारंभ में श्रद्धालुओं का केंद्र बना। महेंद्रनाथ के विषय में लोक मान्यता क्षेत्रीय नागरिकों में यही है कि प्रारंभ में राप्ती तट का पूरा क्षेत्र बनाच्छादित था। एक दिन कोई व्यक्ति जहां आज देवाधिदेव महेंद्रनाथ का भव्य मंदिर स्थित है, उस स्थल पर सैकड़ों वर्ष पूर्व खुदाई शुरू किया। इस क्रम में उस व्यक्ति का फावड़ा किसी कठोर धातु से टकरा गया और टन की आवाज के साथ वह व्यक्ति जो खुदाई कर रहा था अत्यंत ही भयभीत हो गया।
इस बात की जानकारी जब बगल में स्थित गांव के लोगों को हुई तो कौतूहलवश बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उस स्थल की खुदाई शुरू करी। थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया और वहां खून की धारा भी प्रवाहित होती हुई दिखी। यह देखकर खुदाई करने वाले व्यक्ति भयभीत हो गए और शोर मचाने लगे। नजदीक से देखने पर शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। फलतः कौतूहल, जिज्ञासा और आस्थावश लिंग के किनारे किनारे गहरी खुदाई की गई, किंतु बहुत प्रयास के बाद भी उसका और छोप नहीं मिला। इसके बाद श्रद्धावान लोगों ने शिवलिंग के किनारे पुनः मिट्टी डालकर केवल ऊपरी हिस्सा पूजा अर्चन हेतु छोड़ दिया। आसपास की झाड़ियां लोगों के द्वारा साफ कर दी गई। प्रारंभ में इस स्थल को देखने के लिए लोग आते रहे, किंतु धीरे धीरे यह क्रम कम हो गया। महेन निवासी पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे जी सात्विक विचारधारा के और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो वनाच्छादित भूभाग पर स्थित उस शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। उनकी प्रतिदिन की यह चर्या थी कि स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ध्यानमग्न हो जाते थे। जनचर्चा यह है कि महेंद्रनाथ के माध्यम से भगवान शिव का श्री पांडे पर विशेष कृपा थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि श्री पांडे सुबह के गए देर रात तक वहीं तपश्चर्या में लीन रहते थे। फलतः उनकी नवविवाहिता पत्नी के मन में नारी सुलभ आशंका ने जन्म ले। एक दिन चुपके से उनकी पत्नी भी जब सुबह श्री पांडे जी लिंग पूजा हेतु उस प्रसिद्ध स्थल पर गए तो उनके पीछे लग गई। श्री पांडे ने जब शिवलिंग की पूजा अर्चना किया और प्रतिदिन की भांति जब शिव से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो चिघाड़े मारकर रोने लगे। तब तक जनश्रुति है कि यह चर्चा हुई कि कई बार गुहार करने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो पंडित जी व्याकुल हो उठे और पूरी तन्मयता के साथ पूजा अर्चना करके दिव्य आवाज सुनने की अपेक्षा करने लगे। लेकिन उसके बाद भी जब कोई फायदा नहीं मिला तो पीड़ा के मारे हुए विलाप करने लगे। तभी एक अदृश्य आवाज वातावरण में गूंज उठी, अरे मूर्ख, पीछे मुड़कर देख, अब यह जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि ईश्वर भक्ति में शंका का कोई स्थान नहीं होता। पंडित जी स्तब्ध होकर पीछे मुड़े ही थे कि छिपी हुई उनकी पत्नी उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगते हुए घर चलने का आग्रह करने लगे। लेकिन इस निवेदन का पंडित जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वे शिवलिंग के पास ही ध्यानमग्न हो गए। मध्य रात्रि के समय एक जंगली हाथी वहां चिखाड़ करते हुए पहुंची, जिसकी चुघाड़ सुनकर पांडे जी की पत्नी भयभीत हो गई और वहां से भाग गई। पंडित जी का ध्यान भग्न हुआ। जंगली हाथी ने शिवलिंग का 4 या 5 चक्कर लगाया और तत्पश्चात पालतू हाथी की तरह चुपचाप पंडित जी के सामने ही बैठ गए। पत्नी के लगातार अनुनय विनय के बाद भी पंडित जी उस हाथी पर सवार हो गए और हाथी उन्हें लेकर भोर में ही उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ा। लगभग 18 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद हाथी स्वतः एक स्थान पर पुनः बैठ गए। पंडित जी नीचे उतरे, उसके तत्काल बाद ही जनश्रुति यह है कि हाथी वहां से अंतर्ध्यान। सुबह जब गांव के लोगों ने पंडित जी को देखा तो जन सहयोग के बल पर पैकौली के वनाच्छादित भूभाग में पंडित जी के लिए एक पर्ण कुटी का निर्माण किया और वे वहीं पूजा अर्चना करने लगे। पंडित जी निरंतर पूजा अर्चना में लीन रहने लगे और सुबह शाम श्रद्धालु वहां पर एकत्र होकर भगवत चर्चा करने लगे। चूंकि वे केवल दूध ही ग्रहण करते थे, इसलिए लोक मानस में वे पयहारी महाराज अपभ्रंश के रूप में पौहारी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और वह परंपरा आज भी पूर्वांचल में वैष्णव मत की प्रसिद्ध परंपरा के रूप में प्रचलित है। पयहारी महाराज की
यूपी और बिहार में लगभग 365 कुटियां हैं और यह मान्यता आज भी है कि पूरे वर्ष में प्रतिदिन वो एक एक कुटी में जाकर विश्राम करते हैं। उनके साथ बड़ी मात्रा में वैष्णव मतानुयायी आज भी साथ चलते हैं। वर्तमान समय में भी आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती मंडल में पहारी महाराज की गद्दी के प्रति लोगों में गहरी आस्था देखी जा सकती है। इधर महेन में झाड़ियों के बीच स्थित शैवलिंग आश्चर्यजनक रूप से जमीन से ऊपर आने लगा, जिसे देखकर क्षेत्रीय श्रद्धालुओं की आस्था निरंतर बढ़ती गई और दर्शनार्थियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होने लगी। इसी समय देवाधिदेव की कृपा से किशोरी दास नामक एक साधु का वहां आगमन हुआ, जिन्होंने जन सहयोग के बल पर एक मंदिर का निर्माण कराने का संकल्प लिया और देखते देखते पत्थरों से निर्मित एक मंदिर वहां पर बन भी गया, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की तरफ है, जहां दो छोटे छोटे निकास द्वार उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ भी बने हुए। मंदिर से सटे पूरब विशाल पोखरे की खुदाई की गई, जिसके विषय में की विनती यह है कि पुराना से पुराना चर्म रोग भी इस पोखरे में लगातार स्नान करने से ठीक हो जाता है। मंदिर के पश्चिम दक्षिण में स्थित बरगद और पाकड़ के वृक्ष भी क्रमशः विशाल होते चले गए। धीरे धीरे शिवलिंग आकृति रूप में परिवर्तित होने लगा, जो क्षेत्र में कौतूहल और आश्चर्य का विषय बन गया। इस आकृति की दोनों आंखें बंद हैं और चेहरे पर गंभीरता का भाव है। जटाजुट युक्त सिर पर चंद्रमा जैसी आकृति का अंकन है, जबकि गले में जो आकृति दिखाई देती है वह सर्प का भान होता है। इस आकृति को जितनी बार देखा जाए उसके उतने ही भाग भंगिमाओं का दर्शन श्रद्धालुओं में होता है। इसी विशिष्टता से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में आज भी श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को नियमित रूप से वहां पूजा करने आते हैं। लोकमानस में यह मान्यता है कि इस मंदिर में शुद्ध मन से श्रद्धालु जो भी मुराद मांगते हैं भगवान शिव उनकी मुरादें अवश्य पूरी करते हैं। इसी के कारण इस शैव सिद्ध पीठ की प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में अनवरत बढ़ती गई। इस तरह की अद्भुत शिव आकृति अन्यत्र नहीं मिलती है। इस शिव आकृति का एक विशिष्टता और भी है कि जिस नियत से इसका दर्शन किया जाए इनका स्वरूप उसी हिसाब से बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। महेंद्र के मल्ल क्षत्रियों ने इस मंदिर के रखरखाव हेतु प्रभुत अचल संपत्ति प्रदान किया। इस मंदिर के नाम पर प्राप्त 20 एकड़ जमीन से अभी भी यहाँ के दर्जनों गोसाई परिवारों का जीवन यापन हो रहा है। 1967 में आई भयंकर आंधी के कारण मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित विशालतम वट वृक्ष जड़ से उखड़ कर मंदिर पर गिर पड़ा, किंतु आश्चर्यजनक रूप से उतना बड़ा वृक्ष गिरने के बाद भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। जनमानस में इसे देवाधिदेव का चमत्कार बताया गया। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व इस मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर ओपिनधारी साधु सियारामजू महाराज ने जन सहयोग के बल पर 7 गुंबजों और 28 खंभों वाले विशालकाय भव्य मंदिर का निर्माण कराकर यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यद्य विशाल यज्ञ कराने के बाद सियारामजू महाराज के साथ स्थानीय पुजारियों ने जो अभद्र व्यवहार किया उससे क्षुब्ध होकर वह स्थान छोड़कर चल दिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लगी आग में जहां पूरा बाजार जलकर खाक हो गया, लेकिन मंदिर पर कोई खरोच तक नहीं आई। इससे श्रद्धालुओं में इस मंदिर के प्रति और देवाधिदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में, तीसरे वर्ष अधिक मास में और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज भी देखी जाती है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते ही हैं। इस शिव मंदिर पर अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। क्षेत्र के प्रायः सभी जनप्रतिनिधि
अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से करते हैं और अपने मनोकामना पूर्ति हित मनते मानते हैं, लेकिन लोगों में इस बात का जरूर रोष है कि यहाँ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत तो वो जरूर करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर पलटकर यहाँ नहीं देखते हैं। कुछ वर्षों पूर्व BRDPG कॉलेज आश्रम के सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष रामविलास उपाध्याय ने जन सहयोग के बल पर न केवल पोखरे का जीर्णोद्धार कराया, साथ ही हनुमान मंदिर बगल में निर्मित कराकर भव्य प्रतिमा भी स्थापित कराई। आज यह मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है और प्रथम पायहारी महाराज की जन्मभूमि होने के कारण भी इस मंदिर के प्रति लोगों का अगाध श्रद्धा देखने को मिलता है। पूरे देवरिया जनपद में इस मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की लोगों की मांग भी है और धार्मिक स्थल के रूप में इसका जितना भी विकास किया जा सके तो इस क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है।